नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लाइकेन एंड एल्गी, जो कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके टॉप 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमने पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका या कैप्सल जिसे कहते हैं वो बनती है किसमें। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप्सल्स आर फॉर्म्ड इन ओइडोगोनियम, एक्टोकार्पस, कारा और पॉलीसेफोनियम। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन ए है, ओइडोगोनियम। चलिए अगर इसे देखें, कुछ इस तरीके से कैप्सल्स आपको नजर आएंगे साथियों ओइडोगोनियम में। ठीक, एक बाहर अलग सा प्रोट्यूजन होता है, एक डेवलपमेंट थोड़ा सा, और इसे ही हम लोग कैप्सल्स कहते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि ओइडोगोनियम में कैप्सल्स बनने की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल सहचर इनमें पाया जाता है, दैट मींस एल्गल एसोसिएशन फाउंड इन नॉर्मल रूट्स ऑफ साइकस, कोलोराइड रूट्स ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस, रैचेस ऑफ साइकस। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे एल्गल एसोसिएशन जो है वो किसके लिए है कोलोराइड रूट में, फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो यानी कहा जाए कि नाइट्रोजनीकरण करने के लिए एक तरह से जो इनका एसोसिएशन होता है या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा वो होगा इस कोलोराइड रूट में। तो ऑप्शन हमारा है कोलोराइड रूट ऑफ साइकस में, कुछ इस तरीके से साथियों। ये देख रहे हैं अगर आप पेरिडर्म जो कि बाहर का है, देन आउटर कॉर्टेक्स रीजन को अगर हम देखें, ये हमारे कोलोराइड रूट ऑफ साइकस का है, और ये कुछ जो हमारा रीजन रहा ये आपने देखा होगा, यहां पे आपको ये एल्गल जोन मिलेगा जो कि इस ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक, तो याद रखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यहां पे एल्गल जोन रहता है, देन हमारा इनर कॉर्टेक्स, टैनिन और इस तरीके से जाइलम एरिया और फ्लोएम एरिया आ जाता है। चलिए, तो याद रखिएगा कि कोलोराइड रूट में या कोलोराइड जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एल्गल एसोसिएशन होते हैं। चलिए, यूजली द सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास पजेस क्लोराइड विद क्लोरोप्लास्ट विच इज, यानी प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिकाएं में पाए जाने वाली क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। यह है आपका रेटिकुलेट, एच शेप्ड, कप शेप्ड और डिस्कॉइड। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन है सी, कप शेप हमारा ये रहता है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट। चलिए, लाइकेन आर नॉट फाउंड इन, यानी ये कहा जा रहा है कि लाइकेन को कहाँ उपस्थिति आप नहीं पाएंगे, पोल्यूटेड सिटी हो या बेयर रॉक्स मतलब अनावृत जड़ और चट्टानों पर, हिल्स में या बॉक्स ऑफ फॉरेस्ट्रीज। तो इन तीनों जगहों पर साथियों ये पाए जाएंगे, बट पोल्यूटेड सिटीज में यानी कहा जाए प्रदूषित शहरों में लाइकेन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, लाइकेन सर्वाइव नहीं कर पाते। और एक बहुत अच्छा ये साइन देते हैं, एक तरह से कहा जाए कि ये सिग्नेचर देते हैं और कि ये शहर या कहा जाए इनमें वायु प्रदूषण काफी है। किसके लिए है? वायु प्रदूषण के लिए। ठीक, वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से लाइकेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो जहां पे वायु प्रदूषण होंगे लाइकेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी अगर आप वहां पे लाइकेन रख भी देते हैं तो थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों में वो लाइकेन खराब हो जाएगा या डेथ हो जाती है उसकी। तो ये मतलब एक कहा जाए कि साइन है कि वहां पे वायु प्रदूषण है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सवाल नहीं है, वॉल्वॉक्स, ऑसिलेटोरिया, एस्परजिलस एंड क्लेमाइडोमोनास। साथियों वॉल्वॉक्स, ऑसिलेटोरिया, क्लेमाइडोमोनास ये तीनों हैं, बट एस्परजिलस एक फंगस है यानी एक फंजाई ग्रुप है। ठीक का है, और यही हमारा ऑप्शन होगा सी, एस्परजिलस। ठीक, एफ्लाटॉक्सिन क्रिएट करने का काम यही करते हैं, पिछले वीडियो में इसके बारे में आप काफी तरीके से बताया गया है, प्लीज जरूर देखें। अब है हमारा की प्रोपर्टीमस या क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज, ये किस पौधों के समूह में आते हैं। साथियों ये जो प्लांट ग्रुप है क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज, ये लाइकेन के ग्रुप्स हैं। ठीक, और ये लाइकेन समूह में ही आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा फंजाई, एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा है उनमें लाइकेन ही हमारा ऑप्शन सही है। चलिए, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वॉज डिस्कवर्ड इन, यानी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन न्यूक्लियस का जो देखा गया था वो हमारा ड्रोसोफिला, एस्ट्रोबिलरिया, ग्रैंड गार्डन पी एंड न्यूरोस्पोरा, ये ऑप्शन है। और ऑप्शन यहाँ पे हमारा है बी, एस्टेबुलेरिया में न्यूक्लियस के सारे इस तरीके की मॉर्फोलॉजिकल या कहा जाए कि केंद्रक के कार्य को जो कि आकार की विभेदन का है उसको ढूंढा गया था एस्टेबुलेरिया में। चलिए, लिटमस प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक रंजक है लिटमस प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि लिटमस का यूज किसमें किया जाता है, एसिड और बेस की पहचान में, यानी अम्ल और क्षार के पहचान में, किसके द्वारा, कलर चेंज के द्वारा। ठीक, तो कलर चेंज के द्वारा ये लिटमस पेपर आपने देखा होगा, लिटमस टेस्ट इसको कहते हैं।
और ये प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है साथियों लाइकेन से। ठीक, तो लिटमस क्या है, एक लाइकेन द्वारा प्राप्त होने वाला प्राकृतिक रंजक है, जो कि एसिड और बेस के पीएच को चेंज पता किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कलर चेंजिंग। ठीक, चलिए वॉल्वॉक्स का थैलस कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज नोन एज या कॉल्ड एज सिनोसाइट, सिनोबियम, कॉलोनी या फिलामेंट। तो यहाँ पे वॉल्वॉक्स की साथियों कॉलोनी काफी गोलाकार कॉलोनी होती है, उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं मतलब वॉल्वॉक्स के इंडिविजुअल्स ग्रुप बनाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं सिनोबियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है सिनोबियम। कुछ इस तरीके से साथियों हम आप देखिए कि ईच एंड इंडिविजुअल सेल्स जो है वो इकट्ठा होकर, ये देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाता है, बिल्कुल गोलाकार ग्रुप। ठीक, आपको जाली जैसा दिख रहा होगा, ये बाहर की ओर फ्लैजिला है। ठीक, और म्यूसिलेजिनस कवर होती है, एक म्यूसिलेज या का चिपचिपे पदार्थ की कवरिंग हो जाती है जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है। ठीक, और यहाँ पे ढेर सारे आपको क्या कहते हैं वॉल्वॉक्स नजर आते हैं, तो ये कॉलोनी है जिसको हम लोग सिनोबियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक के दो मुख्य घटक हैं। सैक लाइकेन को भी कहा जाता है, हिंदी में सैक आप लोग सुनेंगे और लाइकेन इसका मतलब इंग्लिश वर्जन है। तो टू कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, लाइकेन साथियों एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप है और वो होता है एल्गी और फंजाई के बीच। ठीक, एल्गी जो कि आप जानते हैं कि इनके पास क्लोरोफिल होता है यानी फोटोसिंथेसिस करने की एक्टिविटी होती है, सबसे पुराना क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट रहता है। फंजाई जो कि हार्श कंडीशन में मतलब अपघटीय पदार्थ या सेप्रोफिटिक कंडीशन को निभा सकते हैं, तो दोनों लोग का इस तरह का एसोसिएशन, एल्गी के लिए अगर जो कठिन परिस्थितियां हैं वो फंजाई उसको निभा के उनको जिंदा रखता है, और जब एल्गी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करके फंजाई को मदद करता है भोजन प्रदान करके जिससे वो भी जिंदा रहते हैं। तो ये एक तरीके का दोनों का जो सहसंबंध है जिसकी वजह से दोनों लोग पॉजिटिविटी एक गेन करते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, यही कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये एल्गी फंजाई के बीच होता है जिसको हम लोग प्रायः कहते हैं लाइकेन। चलिए, प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है सवाल में किसमें, तो प्रोटीन रिच एल्गी क्या है, क्लेमाइडोमोनास, सिंक्टोनिमा, कॉस्मेरियम और स्पाइरुलिना। साथियों इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा स्पाइरुलिना। अराउंड 100 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना में आप अराउंड 57 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाते हैं, तो काफी रिच है और इस समय सुपर फूड भी तरह से इसको कहा जाता है, खासकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खेती के लिए जमीनें कम हो रही हैं, तो हमें एक अदर सोर्स भी ढूंढा जाना चाहिए जिससे हम एक छोटे मात्रा में सही तरीके से प्रोटीन को प्राप्त कर सके, तो वहां पे स्पाइरुलिना हमारे बहुत काम आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन है साथियों हमारा कि डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है, या डॉग लाइकेन इज कॉमन नेम ऑफ क्लेडोनिया, एल्टिग्रा, सिट्रेरिया और रोसिला। तो ऑप्शन हमारा साथियों ये है बी, एल्टिग्रा का नाम है कॉमन डॉग लाइकेन, और डॉग लाइकेन से साथियों याद रखिए रेबीज को खत्म करने के लिए, रेबीज के लिए भी यहाँ से मेडिसिन बनाई जाती है या दवा बनाई जाती है, और ये खासकर ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी काम में आते हैं, तो यानी हमारे लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। चलिए, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना कहलाती है, याद रखिए कि स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन रेस्पिरेशन इज स्टियम, सोरेडियम, सिफाइलोडियम और काइफिला या साइफिला कहें आप, याद रखिए साइफिले जो है इसका ये सही आंसर है कि जो रेस्पिरेशन में साइफिले इसको मदद करती है लाइकेन को। चलिए, अगार अगार एक महत्वपूर्ण सोर्स है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या डायटम्स। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो ऑप्शन है वो है रेड एल्गी के थ्रू ही हमारा हमको अगार अगार मिलता है। अगार अगार साथियों एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जो कि खासकर माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है कल्चर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, किस सवाल का प्रयोग कैल्विन या उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था, यानी कैल्विन का फोटोसिंथेसिस से बहुत ही सीधा संबंध है, कैल्विन साइकिल आप लोगों ने सुना होगा, तो वो और उनके कोवर्कर्स ने किस सवाल पे काम किया था ये क्वेश्चन है, तो वो है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा एंड वॉल्वॉक्स। तो याद रखिए साथियों सही ऑप्शन इसमें जो है हमारा वो है क्लोरेला स्पीसीज पे कैल्विन ने अपने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया था और पता किया था यहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है कि लाइकेन्स आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द माइक्रोएल्गल रूट्स, दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, दे आर पायनियर्स
अर्लियस्ट सेटलर ऑन द बैरन रॉक्स एंड पास सेरी कंडीशन सक्सेसफुली दे कैन ग्रो इन ग्रेटली पोल्यूटेड एरिया। तो साथियों पहली बात तो ग्रेटली पोल्यूटेड एरिया वाला भी हम लोगों ने गलत किया है कि ये सही नहीं होता है, ठीक वहां पे उगता नहीं है। हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि ये पॉइनियर होते हैं बंजर चट्टानों जो प्रारंभिक सेटलर की तरह से, मतलब जहां पे एक प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पे लाइकेन सर्वाइव करके आगे के लिए कुछ परिस्थितियां पैदा करते हैं जिस पर से आप अदर वहां पे प्लांट्स के डेवलपमेंट को देखेंगे। तो यानी कहा जाए कि एक तरह से सेटलर्स हैं जो कि आगे की लाइफ को, आगे की प्लांट लाइफ की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, आगे प्लांट लाइफ के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दे आर द पायनियर्स अर्लियर सेटलर ऑन द बैरन रॉक्स एंड पास जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली। क्यों? वही है, क्योंकि इसमें सवाल और जो कवक है दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप होता है जो कि इस कंडीशन को काफी अच्छे तरीके से निभा ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पायरेनाइड स्पायरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? तो पायरेनाइड जो है साथियों स्पायरोगायरा की क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा है सी की क्लोरोप्लास्ट पायरेनाइड्स पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये कई बार पूछा गया है, ठीक पीजीटी में भी पूछा गया है, लेकिन मैंने पीजीटी 2005 का ही क्वेश्चन ऐसे ही उठा दिया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे में आर्चिगोनियम अनुपस्थित होता है? स्पायरोगायरा, फ्यूनेरिया, टेरेस साइकस। साथियों याद रखिए फ्यूनेरिया, टेरेस साइकस इन सभी में आर्चिगोनियम रहेगा, बट स्पायरोगायरा में आर्चिगोनियम एब्सेंट रहता है। और साथियों आर्चिगोनियम है क्या, ये भी मैं लिख दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है याद रखिएगा। तो ये सभी में प्रेजेंट रहेगा बट किसमें नहीं रहेगा, हमारे शैवाल स्पायरोगायरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होता है या सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन? क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, फियोफाइसी या साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को साथियों हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक किंगडम मोनेरा का आपने नाम सुना होगा वहां से ही बिलोंग करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं साइनोफाइसी। और यही है जो क्या कहते हैं मोटाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन्स नहीं कहते हैं बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको पता है कि न्यूक्लियस और राइबोसोम ये रहता है, सॉरी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और राइबोसोम ही सिर्फ प्रेजेंट रहता है और अदर जो सेल ऑर्गन्स हैं वो भी एब्सेंट रहते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हेन ऑन वन पैसिव गैमेट्स ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय सेवरल एक्टिव गैमेट्स द फिनोमेना इज कॉल्ड एज, या जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो साथियों यहाँ पे एग्रीगेशन, क्लम फॉर्मेशन, क्लैम फॉर्मेशन, कॉलोनाइजेशन। क्लैम फॉर्मेशन साथियों फंगस का ये एक रिलेशनशिप है, इसको हम लोग क्लैम ना कहकर क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। तो क्लम फॉर्मेशन यहाँ का सही ऑप्शन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नुकसानदायक जो है वो है लाइकेन, या कहा जाए विच इज द हार्मफुल लाइकेन। इसमें है साथियों अम्लिकेरिया, क्लेडोनिया, असनिया, लिथेरिया और ऑप्शन हमारा सी है, लिथेरिया एक हार्मफुल लाइकेन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। बहुत कॉमन साथियों नीट से लेकर टीजीटी में काफी ज्यादा बार पूछा गया है और ये जो है स्पेस रिसर्च में क्लोरेला ये है जो कि यूज किया जाता है, खासकर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को, मतलब कहा जाए कि ऑक्सीजन के डेवलपमेंट के लिए भी वहां पे यूज किया जाता है क्लोरेला। चलिए पैरासिटिक एल्गी सिफेलुरास बिलोंग टू द, यानी ये जो सिफेलुरास है वो किस क्या कहते हैं क्लास से बिलोंग करेगा? तो वो है क्लोरोफाइसी साइनोफाइसी, फियोफाइसी या क्राइसोफाइसी। सही ऑप्शन है साथियों सिफेलुरास जो है वो क्लोरोफाइसी पे क्लास से बिलोंग करता है। चलिए आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, यहाँ पे बोला गया है कि आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है साथियों हमारे कि वॉलवॉक्स, कैरा, एक्टोकार्पस और बैक्टेरियोस्पर्मम। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन होगा वो है हमारा एक्टोकार्पस। तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन के लिए साथियों याद रखिए 2003-2004 में पूछा गया है, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आपको ऑप्शन एक्टोकार्पस मिलता है या एक्टोकार्पस शोज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है, यानी यूलोथ्रिक्स का जो
एक तरीके से कहा जाए, जब हम लोग जड़ की बात करते हैं तो जड़ अक्सर भूमि आधार से जुड़ता है, बट यहाँ पे इस एल्गीज में जड़ नाम की कोई चीज नहीं रहती, पर वो भाग जो जड़ जैसा दिखता हो या काम करता हो उसको पकड़े रहने के लिए जमीन में, तो वो है हमारा आंसर होल्ड फास्ट। तो याद रखिएगा साथियों कि ऑर्गन विच यूरोथ्रेस इज अटैच टू इट सबस्टेटम इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। चलिए, शैवालों में कसाब रहित अमीबीय युग्मकों को कहा जाता है या अमीबाइड नॉन फ्लैजिलेटेड। अमीबाइड हैं बट नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं, ऑफ एल्गी आर कॉल्ड एस, और वो है साथियों हमारा ए प्लैनोगैमीट्स, जू गैमीट्स, आइसोगैमीट्स, एनाइसोगैमीट्स। ऑप्शन सही है ए प्लैनोगैमीट्स, या कहा जाए जो कि, अब देखिए हिंदी में सीधे सीधे लिखा हुआ है अचल युग्मक, यानी युग्मक है अचल है, चल युग्मक, विषम युग्मक, सम युग्मक, इस तरीके से है ये। तो कभी कभी कुछ हिंदी के वर्ड्स सीधे सीधे आंसर भी दिला देते हैं, तो ए प्लैनोगैमीट्स एमोबाइड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। चलिए, तैल संग्रहित मतलब ऑयल रिजर्व फूड की तरह होता है, वो है हमारा इसमें साथियों क्लेमाइडोमोना सोडोगोनी कारा वाउचेरिया, और ऑप्शन हमारा पड़ेगा वाउचेरिया। वाउचेरिया का रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है ऑयल। ठीक, अब एक आप बताइएगा कि ये तो कुछ मतलब कहा जाए एक्सेप्शन है, बाकी शैवाल में जो संग्रहित फूड या फूड या कहा जाए कि भोजन या कहा जाए कि रिजर्व फूड मटीरियल किस फॉर्म में होता है। ठीक, तो रिजर्व फूड मटीरियल इन एल्गी इज, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पामेला स्टेज किस में पाई जाती है, या पामेला स्टेज इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, सिस्टोपस या एस्परजिला, और इसमें ऑप्शन है हमारा साथियों पामेला स्टेज पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि पामेला स्टेज यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होती है। चलिए, बैक्टेरियोस्पर्मम पाए जाते हैं, द एल्गी बैक्टेरियोस्पर्म फाउंड इन ताजे जल में स्वतंत्र तैरने वाले, ताजे जल में शिला के ऊपर, समुद्री जल में स्वतंत्र तैरने वाली, समुद्री जल में शिला के ऊपर, यानी फ्रेश वाटर होने चाहिए, फ्री फ्लोटिंग या फ्रेश वाटर लिथोफिटिक है, मैरीन है, फ्री फ्लोटिंग है कि मैरीन है कि लिथोफिटिक है। और यहाँ पे याद रखिए साथियों, जो बैक्टेरियोस्पर्म होता है वो फ्रेश वाटर का है और फ्री फ्लोटिंग है, यानी पानी के ऊपरी सतह पे ये अपना तैरता हुआ नजर आएगा और ताजे पानी में पाया जाता है। तो बैक्टेरियोस्पर्म एक ताजे पानी का शैवाल है, आप ये भी कह सकते हैं। चलिए, लास्ट जो हमारा 30th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीली हरी शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं है, या कहा जाए विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन में साथियों हमारा आ जाता है नॉस्टॉक, एनाबेना, सिंक्टोनिमा और ऑसिलेटोरी, और यहाँ पे हमारा नॉस्टॉक, एनाबेना, सिंक्टोनिमा ये करते हैं, ऑसिलेटोरिया जो है साथियों वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम नहीं आता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है कि हम लिख दें कि नॉट एन टू फिक्सेशन। ठीक, तो ऑसिलेटोरिया जो है वो एन टू फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं आता। तो ये है साथियों हमारा 30 क्वेश्चन का प्रॉपरली एल्गी और लाइकेन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड टाइप से दिए थे, उसको भी मैंने उनमें यूज किया है, जो कि मतलब आने के चांसेस इसमें काफी तगड़ी तरीके से संभावना है। साथियों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ये अपने साथियों को शेयर जरूर करें, जिससे क्वेश्चन करने में उन्हें मदद मिले, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं तो संभावना है कि हमारे आने वाले पेपर में ये जरूर आपको मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।